नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मचिन में प्रथमे हेडलाइंस कम मूल्य हेबो पुरी रे रहणी व्यवस्था साधारण लोकों पाई करा जिवो भक्त निवास श्रीमंदिर चारिपटे हेबो 20 मीटर रो बफर रोड जेल रोड यात्रिका और पौर संस्था मार्केट रे हेबो पार्किंग व्यवस्था बारंगरे निकोज नाबालक भुवनेश्वर रो उधार इन्फोसिटी थाना जरीमुंडार जने संपर्कियों घर निकट रु उधार कला पुलिस गत 15 तारीख में गुआकुली मुंडियारु निकोज होता परिवार लोके अभियोग डीजीपी को ऊपर बर्षे लेखाश्री सामन सिंघार एसआईटी तदंत को नहीं उठाइले प्रश्न कालीठू बीजेपी पदयात्रा भुवनेश्वर रु जदपुर अभिमुखे यात्रा कर दल सीबीआई तदंत सह मंत्री बहिष्कार परी हत्या मामला सरोज सेठी समेत तीन जन को उठाई नेला एसआईटी पूर्व सरोज को पचराउचरा कर स्वतंत्र टीम दोष मुंडाइबा को एसआईटी लांच जाचुवा सांघातिक अभोग आनी युवक परी मामलें डीजीपी एथिक्स पाठ तदंत प्रक्रिया को तर्जमा कर गणमाध्यम को एथिक्स शिखाइले डीजीपी अभय कहले एसआईटी टीम को आक्षेप करवा दुर्भाग्यजनक पश्चिमबंग गस्तर केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित में बीजेपी में मिशिपारती टीएमसी और सीपीएम तुंग नेता रामकृष्ण मिशन में कले पूजार्चना वर्षा अनुभव घरई कली पुरीघाट थाना पुणी एतला देले अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शनी वायरल वीडियो को नहीं लिखित अभियोग कहले भावमूर्ति बिगाड़ षड्यंत्र प्रतीक्षार अंत नुआ वर्ष खोल मंदिर जनवरी तीन रु समलेश्वरी दर्शन करें श्रद्धा दर्शन पाई आसव एसओपी प्रथम पांच दिन संबलपुरवासी सुजोग एथर संपूर्ण खबर श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय में चली बैठक शेष होती बैठक में कम मूल्य पुरी में धर्मशाला निर्माण करने को निष्पत्ति अबढ़ा योजना चली विभिन्न प्रकल्प अग्रगति समीक्षा पार्किंग और मार्केट कम्प्लेक्स निर्माण कार्य आरंभ हो मंदिर बिल्डिंग टेंडर प्रक्रिया सारी 4000 भक्तों पर कम मूल्य धर्मशाला कार्य आरंभ हो बहुतल पार्किंग स्थान और जमी देखा श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व उन्नतीकरण कार्यर टेंडर सरी श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर कृष्ण कुमार एने सूचना देखते बारंगरे निखोज नाबालिक भुवनेश्वर रु उधार इन्फोसिटी थाना जरीमुंडार जने संपर्कियों घर निकट उधार कर बारंग पुलिस गत 15 तारीख में गुआकुली मुंडियारु निखोज होता परिवार लोके बारंग थाना अभियोग करते अभियोग अनुजाई मयूरभंज बारिपदा अंचल मालती बेस्रा बारंगर त्रिशूलिया अंचल में रोते सेठार निजर 11 वर्षर पु सीपु बिश्रा निखोज होता अभियोग होता बहुत खोजाखोजी करने तार कौन सन्धान मिल ना एने 17 तारीख में मालती बारंग थाना एक एतला पुलिस अभियोग ग्रहण करने पर परिवार लोकों को नहीं विभिन्न स्थान में खोजाखोजी आरंभ कर डीजीपी को ऊपर बरसिले बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामन सिंघार एसआईटी तदंत को प्रश्न उठाइबा सह अरुण साहू को काहीकि कराजाउनी तदंत परिसरभुक्त बोली से प्रश्न करिछन्ते पुलिस डीजी और सरकार काहीकि भयभीत काहाकु सुरक्षा जोगाउछि एसआईटी एसआईटी तदंत जदि एते सहज थिला नयागढ़ पुलिस करूथिला कोन बोली प्रश्न करिछन्ते लेखाश्री सेपरि बंद लफापार तथ्य किए लिक कला ताहाकु नै मध्य प्रश्न उठिछि आसंता कालीठू आरंभ हेबो बीजेपी पदयात्रा सीबीआई तदंत सह मंत्री अरुण साहू को इस्तफा दाबी रे भुवनेश्वर रु जदपुर अभिमुखे पदयात्रा करिबो दल लिंगराज मंदिर रु आरंभ होई 5 दिन रे जदपुर रे पहुंचिबो बीजेपी टीम 5 दिन में भुवनेश्वर रु जाला सारु बोलगढ़ इटामाटी जदपुर यात्रा करिबो दल एही पदयात्रा रे समस्त को सामिल हेबा को बीजेपी पक्षरु आह्वान दिया जाय छी विधानसभा भितरे ओडिसा रो डीजी मिछ कहउचंती कहा को घंटो घोडेबा पई ये होची आज का दिन रे सबटु बड़ प्रश्न कौन पाई कि अरुण साहू मंत्री जो भूमिका रही पूरा घटन सी तदंत परिसरभुक्त हो गोटे आड़े आपण एसआईटी गठन करी तदंत को गोटे आड़े ठेली नहीं जीवे ताले जो जो प्रश्न गुड़ा बाहर तार सबुर उत्तर रखिबार आवश्यकता रही आमर संदेह ओडिशा सरकार तांकर मंत्री अरुण साहू एवं तांकर दलीय कर्मी बाबुली नायक को घंट घोड़ेवाई सुरक्षा दवापाई कि पुलिस विभाग को व्यवहार करो थर जार मंग धरी डीजी निजे नभली असत्य केवे प्रेस रिलीज रे के दिए नहीं
कौन ओडिशा रा प्रशासन पुलिस विभाग ए स्तर को आसलानी आपण मिछ कहिबे प्रेस रिलीज रे जे गोटे केस कोर्ट मॉनिटर्ड व्हेन इट इज नॉट कोर्ट मॉनिटर्ड कहा को फंकी मारचंती कहीं से हाई कोर्ट रा स्टैंडिंग ऑर्डर जोतरे कोनोसी जज को दिया हिची दायित्व यार मॉनिटरिंग करिया पई राज्य सरकार कोठी बाहर करचंती तांकर देखंतु कोर्ट मॉनिटर्ड कहि देले हे जीव खाली मु तो भाबी पारुनी जे आमे गोटे स्वाधीन राज्य रे रहिचे जोठी पुलिस डीजी एभळी मिछ कहिकरी सी खसी जाउचंती आउ ये समस्तिंकर भूमिका तदंत परिसर भुक्त हो एसआईटी मुख्य जो टंका जाची चंती युवक को से कथा आसिला परे एसआईटी रा कौनसी नैतिकता नाही ए केस रा आखा पाखा कोठी भी रहबा पई जदि भी ए कथा सत होई थाए ताहले नयागढ़ एसपी एवं डीआईजी एवं लोकल पुलिस रहबा उचित नुहे डीजी इस्तफा दे दियंतु जदि पुलिस किछ काम करूनी एसआईटी आसी के 10 दिन भीतर सब धरि देला पांच मास काल ए बड़ केस चली थिला ताले साधारण पुलिस रो किछ भूमिका नाही एसआईटी ही सब चलेबे एसआईटी ही सब करिवे ये केवल छोटो छुआ रो हत्या नुए ये पिला अपहरण रो कथा चाइल्ड ट्रैफिकिंग रो कथा अंग तस्करी रो कथा आउ या भीतर बिजू जनता दल पूरा यार मझी रे पूरा केंद्र बिंदु होची बिजू जनता दल तेणु तांकू घंट घोड़ा पई सरकारंकर विधिवध योजना रे डीजी पुलिस असत्य कहिबा एवं एसआईटी को सुरक्षा दबा एवं स्थानीय पुलिस को भी सुरक्षा दबा अत्यंत निंदनीय याकु आमे कड़ा शब्द रे याकु भर्त्सना को ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ଫସିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଡିଡିସି କର୍ମଚାରୀ ଏକକାଳୀନ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ଘରର ଖାନତଲାସୀ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଜ୍ ଅଶୋକ ଅଫିସ୍ ଓ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି ରସୁଲଗଡ଼ ପାଣ୍ଡରା ଓ ପଟିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତି ବିହାରରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୈତୃକ ଘର ଦୁର୍ଗାପୁର ରାମେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ହୋଇଛି ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ 3,55,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଦିନାପୁରରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଖୁଦିରାମ ବୋଷଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭେଟିଥିଲେ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶହୀଦ ଖୁଦିରାମ ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ମାଟି ଖପୁରୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ଛୋଟ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଅଟନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ କହିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ରାମ ପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମେଲ ବଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ୟୁପି ପାଇଁ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହ ଅମିତ ଶାହା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଆଜ ମେରେ ଲିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ ଦୋନୋ କା ବିଷୟ ହେ କି ମେ ଉସ ଜଗହ ପେ ଆୟା ହୁଁ ଜୋ ନ କେବଲ ଭାରତ ପୁରି ଦୁନିଆ ଭର କେ ଲିଏ ଚେତନା ଜାଗୃତ କରନେ କି ଜଗହ ହେ ୟହି ଵୋ ସ୍ଥାନ ହେ जहां भारत की आकाश गंगा के सबसे तेजस्वी तारले स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था स्वामी जी ने अपनी अल्पायु के अंदर ही भारत का ज्ञान भारत की संस्कृति भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने का काम किया था जब अमेरिका के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन हुआ उस वक्त स्वामी जी ने अपने एक ही वाक्य से सनातन धर्म का विश्व बंधुत्व की व्याख्या को पूरी दुनिया को परिचित कराया था स्वामी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने आधुनिकता और आध्यात्म को जोड़ने का काम किया और पूरे देश का आह्वान किया था कि 50 साल तक सब लोग अन्य देवी देवताओं को भूलकर भारत माता का आराधन करें तो ये देश जागृत हो जाएगा और उसके ठीक 50 साल बाद भारत की आजादी मिली थी और मैं आज यहां आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहां से प्राप्त कर मैं जा रहा हूं और मैं आज भी मानता हूं कि स्वामी जी के विचार
उस वक्त जितने प्रासंगिक थे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक्त जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा जरूरत शायद आज है। और मैं इस स्थान पवित्र स्थान पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आशीर्वाद दे और चलने की प्रेरणा दे। और मेरा निश्चित मानना है कि ये मार्ग ही न केवल भारत समग्र विश्व के कल्याण का मार्ग हो सकता है। परी को न्याय देवा प्रसंगे नयागढ़ में बीजेपी धारणा एवं आज को 15 दिन में पहुंची धारणा तेज वर्तमान कौन रही स्थिति ए संपर्क में जानापी सीधा सख आम सहित जोड़ नयागढ़ आम प्रतिनिधि प्रदीप महापात्र जोड़ प्रदीप आज को 15 दिन होगला बीजेपी से धारणा दे वास्तविक भाव से जहाँ दाबी करी को न्याय देवा प्रसंगे आज पर्यंत गोटे भी दाबी सरकार शुणिले वर्तमान स्थित कौन रही निश्चित भाव में चिन्हय आप जो कथा कहे 15 दिन है धारणा में बसी नयागढ़ जिला बीजेपी और प्रतिदिन कौन ना कौन राज्य नेतृत्व और केन्द्र नेतृत्व आसिक धारणा सामिल होती जमी भाव दीर्घ साढ़े चार पूर्वे अर्थात जुलाई मसरे परी को अपहरण करागला तार हत्या करागला और संपूर्ण घटना को नयागढ़ जिला पुलिस और नयागढ़ एसपी जोपर भाव चापी देवार अभोग बर्तमान पर्यंत रही आसी परवर्त समय एसआईटी गठन होगा और एसआईटी जो 15 दिन स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में सेने दाखल कले एसआईटी टीम दाखल कला कितु ताश्नवाची सृष्टि कारण साढ़े चार मस धरिकी नयागढ़ पुलिस जो घटना बा जो प्रमाण पाई ता केमी 15 दिन में एसआईटी पाईला ना ये घटना को पूर्व चापी देवाप उद्यम करा विभिन्न प्रसंग बर्तमान सामना को आसी विभिन्न प्रश्न सामना को आसी से प्रश्न आज बीजेपी भुवनेश्वर से जितेबले सांबादिक सम्मेलन माध्यम पचारि आसिक पहुँची पूरी विधायक जयंत षडंगी आसिक पहुँची आप दृश्य मत देखिपे ईरानी राय मध्य धारणा सामिल अच्छा उपस्थित अच्छा निजे परीर बापा माँ यही धारणा को समर्थन करी निज झीपाई न्याय दाबी से सी एठार बस पाखापाखि 15 दिन है आम प्रतिक्रिया ना जयंत षडंगी अच्छा उपस्थित अच्छा प्रतिक्रिया ना आज्ञा पाखापाखि 15 दिन है बीजेपी पक्षर धारणा दि जा किंतु आज्ञा पाखापाखि 5 मास होगा बस ले घटना उपरे ना पुलिस सेतेबेले एसआईटी तो परे गठन है ता पूर्वर ना पुलिस को किसी सेमती सफलता मिलता से दोषी को धरी पारे ना अभियुक्त धरी पारे एबे एसआईटी मध्य घटना को गोटे अलग दिग कहले एसआईटी जहाँ रिपोर्ट दे दुष्कर्म कर हत्या करे आउ जड़े जो परीर पड़ोसी घर जो पिला रही सरोज सेठी ताकू नहीं कि पचरा उचरा करागला आज एसआईटी उठे नहीं देखु मोर तो कहीं सन्देह हो घटना प्रथम जो आम सन्देह करूँ ये घटना से जाऊँगी या पछरे गोटे बहुत बड़ घटना स्टोरी अच्छी ताकु लुचेवापी का ये सब बारंबार भूल कर चलते गोटे भूल को लुचेवापी का ये बड़ भूल करा जाऊँ मत तो कहीं लगुच लोक कथा हो मंत्री अरुण साहू को परिवार कह शरीर ये छुआर किडनी लगी लोक कथा होती शुणी रास्त बजार स्थानीय अधिवेश मान य घटना जदि सत्य हो तो बड़ सांघातिक कथा तो प्रपर इनक्वारी जदि हम सत कथा बाहर आनक्वारी जिते दिन जाए राज्य सरकार पाखे थी ए सत कथा जमा बाहर आप देखते फर्स्ट ये 5 मास भितर तदंत कड़े कुआ गति कर फर्स्ट पुलिस कौन जापारानी से झील को बलात्कार होता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देखु लोकों को ठकवापी लोकों को भुआ बोलवापी कि जिते प्रकार स्टोरी करा जाए पारे कहीं पाखे 115 संख्या 5 थर लंबा समय शासन तेणु गर्व ए अहंकार ये जो क्षमता ये को जगन्नाथ के भी सहे देखु जदि ये सरकार इको चपेवाई चेष्टा करेंगे इनको भगवान महाप्रभु जगन्नाथ केवे भी क्षमा करेंगे ये जहाँ पुण्य करा कमाऊँ ये परी केस पतन घटव जीक दिन ना कमी परी घटन एक अधपतन घटव आज देखिए एवं धीरे धीरे पतन होकर समाप्ति होदि ये घटना सत्य सत्ता न बाहर तो महाप्रभु सदबुद्धि करूँ
ସତ କଥାଟା ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ ଏବଂ ତା ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମର ଦାବି ଅଛି, ଏତିକି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ଶୀତ କାକରରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ନୟାଗଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? ସେ ପରିବାର କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ତା ମାଆ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ବାପା କାନ୍ଦୁଛି। ମୋର ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଯଦି ବିଧାନସଭାକୁ ନ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ କଥା କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତେ, ସେଇ ତା ଗାଁରେ କଥାଟା ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଏଇ ସରକାର କ'ଣ, ଏଇଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁକା? ଯଦି ଏମାନେ ଶାସନଟା ଏଇ ଆଡ଼ିକି ନେବେ ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କୁଆଡ଼ିକି ଯିବ? ଖାଲି ପରିର କଥା ନାହିଁ, ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଶିଶୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି, କିଏ ନେଉଛି, ଏକୁ CBI ତଦନ୍ତ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଇଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼, ୟା ପଛ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଅଛି ସବୁ ଷ୍ଟୋରି, ରହସ୍ୟମୟ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଏ କଥା। ତ ରହସ୍ୟ ଅଧିକ 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 ଯାଉଛି, ଏ ରହସ୍ୟର ପେଡ଼ିଟା କେବେ ଖୋଲିବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସରକାର ତ କିଛି କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧାରଣା ଲାଗିଲାଣି କେବେଠୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ହିଁ ନାହିଁ। କୋର୍ଟରେ ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ବନାଉଛନ୍ତି। କେବେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେନି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗତକାଲି ପୋଲିସ DG ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି କହିଛନ୍ତି ଯେ SIT ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଏବଂ SIT ଉପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି SIT ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ SIT ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଯଦି ଦିଗ ବଦଳିବେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ଯଦି ଠିକ୍ ରକମ ଚାଲିଥାନ୍ତା ଆଜି ଏଇ ଧାରଣା ଫାରଣା ନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି ଉପୁଜିଲା, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି? ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଇଗଲା ଘଟଣା, ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବେ, ତା ଦେହରେ ବଳାତ୍କାରର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠିନି। ହଠାତ୍ SIT ଷ୍ଟୋରିଟା ଆଣିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ, ତା ଦେହରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ ବଳାତ୍କାରର, ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିରେ ସେ ଝିଅକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଳାତ୍କାର ଘଟଣା ନଥାଇପାରେ। ତ SIT କେଉଁଠୁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆଣିଲେ? ସେ ତ ଜନତା କହିବେ, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ଆମେ ତ କହିଲୁ ତୁମେ କହିବୁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ ନାହିଁ। ଏଇ ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟା ଘରେ ଘରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସରକାର କେମିତି ଚାଲିଛି, କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକା ଆହୁରି ବାହାନା ବନେଇବା ହେଉଛି। ଏ ସରକାର ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବନି, ଏଇ ନିୟମରେ ଯଦି ସରକାର ଶାସନ ଚଲେଇବେ ଏ ସରକାର ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବନି। ପବ୍ଲିକଙ୍କର କୋହ ବାହାରିବ, ତାର ବାପା ମାଆର ଲୁହରେ ଏ ସରକାର ଭାସିଯିବେ ଦେଖିବେ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଆପଣ ବି ସେଠି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅରୁଣ ସାହୁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରର କଥା ଆସୁଛି, କିଡ଼ନି ଆଖି ଚୋରି ରାକେଟ୍ର କଥା ଆସୁଛି, ଏଇଠି ସେମିତି ଘଟଣା ବି ଘଟିଥାଇପାରେ କି? ପରି ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଲୋକେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ନୟାଗଡ଼ର ବାସୀ ମୁଁ ଆସିବାରୁ ସକାଳୁ ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିଲି, ଲୋକେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରିବାର କାହା ଶରୀରରେ ସେ ପିଲାର କିଡ଼ନି ଲାଗିଛି, ଲୋକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆସିଲି। ଯଦି ଏ ଘଟଣା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥାଇପାରେ? ଯଦି ଏ ଘଟଣା ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା, ଇଏ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ପାଲା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ SIT ଲାଷ୍ଟକୁ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଦାବି ପୁରା ଅଟଳ ରହିବ। ଏ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତା ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଆଉ ଅରୁଣ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ନ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରର କଥା ନିଜେ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଲେ, ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଘଟଣାକୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତା'ର ଘଟଣା, ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଗୋଟେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ପାଖରେ ଯେମିତି ପୋଲିସ ବା କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, SIT ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଏବଂ SIT ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରଚା ଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୃହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଲେ ବା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏତେ ବଡିକୁ କେମିକାଲ ଦିଆହେଇକି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁଠି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଏ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ SIT ଇଏ ନୂଆ ଘଟଣା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ
उठाउछन्ती एसआईटी रो तदंत शैली को नेकी समस्ते सेतबेले पुलिस डीजीकर एभली बयान मध्य कोठना कोठी बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करछि। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप्त आपनकर समस्त तथ्य एवं आलोचना पई आसे परवर्ती खबर को परी हत्या मामला तीन जणंकु उठाई नेला पुलिस सरोज सेठीक समेत तीन जणंकु उठाई नेला एसआईटी जोधपुर गारु सरोज तांको मां ओ भौणी को उठाई नेथिबा सूचना मिलिछि। पूर्वरु मध्य सरोज को एसआईटी पचराउचरा करथिला तबे यहा परे सरोज एसआईटी मुख्यक नारे सांघातिक अभियोग आणिथिले। एसआईटी मुख्य तांको 5 लाख टंका जाचिथिबा अभियोग आणिथिले युवक। परी प्रसंगे पुलिस डीजीं एथिक्स पाठपढ़ा प्रेस रिलीज रे दुर्भाग्यजनक अर्थनैतिक शब्द प्रयोग डीजीपी अभय जहां प्रमाणित करुछि मुक्त गणमाध्यम को डीजीपी चैलेंज तदंत प्रक्रिया को तर्जमा करने कौन अगणतांत्रिक देखु रिपोर्ट परी मामलें डीजीपी एथिक्स पाठ गणमाध्यम तदंत प्रक्रिया को तर्जमा करने को एथिक्स पाठ पढ़ाऊ पुलिस मुख्य अभय दुर्भाग्यजनक अनैतिक शब्द व्यवहार कर प्रश्न होदंत चलता बेले पक्ष विपक्ष मत रखिपारे ना नहीं गणमाध्यम भिन्न भिन्न मत को तर्जमा करदंत प्रक्रिया को विश्लेषण करने कौन अगणतांत्रिक यह मुक्त गणमाध्यम को चैलेंज नुहे कि कोर्टे एजी कहते सरकार एसआईटी गठन किंतु डीजीपी स्पष्ट करूना क्यों जज एसआईटी को मॉनिटर करे पीआईएल विचार समय रे एसआईटी रिपोर्ट कोर्ट मागिबा सत ना मिछ कोर्ट मॉनिटर एसआईटी पाई सरकार चिठी लिखी से चिठीर न्यायालय कौन उत्तर दे उत्तर नकल डीजीपी प्रस्तुत करें कि एसआईटी कोर्ट मॉनिटर करुछंती कहिबा डाहा मिछ जदि पीआईएल विचार पाई जाई न थांता एसआईटी चित्र रे थांता कि डीजीपी को नैतिकतार प्रश्न परीर माँ पचारिछंती परीर 12 दिन सकाळु राति 12 पर्यंत थाना रे बसाइथिला किए परी माँ को निद लागि जिबारु थाना रे गाळी करथिला किए परीर बड़ बापा बड़ माँ को थर्ड डिग्री देइथिला किए परीर माँ बाबुली नायक अरुण साहू को ना नेले एमानकु तदंत परिसर को निया गला नाही काही कि बोथरा बंद लफापारे कोर्ट को तदंत अग्रगति रिपोर्ट देले हेले वायरल हेउतबा रिपोर्ट किए लिक कला जदि रिपोर्ट मिछ बोथरा स्पष्टीकरण देले नाही काही कि परिस 5000 पिला निखोज एम को खोजारे अभयंक पुलिस विफल कहीं डीजीपी पुलिस रो सुरक्षा पाई ना साधारण ओडिया गणमाध्यम को दोष देबे ना दायित्व निज मुंड उपरकू ने रिपोर्ट अर्गस विकास मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल पश्चिम ओडिशा रो प्रथम और सर्वाधिक मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटा इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर 5 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर 60 सज्जा विशिष्ट एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू रो सुविधा अत्याधुनिक कैथ लैब एमआरआई सहित ब्लड इन्वेस्टिगेशन एवं रेडियो डायग्नोस्टिक लैब विकास मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल फॉर यू फॉर लाइफ।